हेलो देयर, दिस इज़ नेहा शेख फ्रॉम चैनल विजडम वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम द थ्री डोमेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो लेट स्टार्ट अवर वीडियो। थ्री डोमेन सिस्टम। द वर्ड डोमेन इज़ अ यूज फॉर पर्टिकुलर एरिया, टू डिफाइन अ पर्टिकुलर एरिया विच इज़ कंट्रोल्ड बाय अ रूलर और वी कैन से गवर्नमेंट। ओके, डोमेन इज बेसिकली हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ किंगडम। ओके, जो किंगडम से भी हाईएस्ट कैटेगरी रहती है उसके लिए डोमेन वर्ड यूज़ किया जाता है। ओके, सो थ्री डोमेन सिस्टम। यहाँ तीन ऐसे एरियाज़ के बारे में हमें पढ़ना है जो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स को डिवाइड करता है अलग अलग थ्री डोमेन्स में। ओके, दिस इज़ एक्चुअली अ मॉडर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल वोइस इन 1990s। ओके, सो ही डिवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स इंटू आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया एंड डोमेन यूकैरिया। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रीवियस सिनेरियो कैसा था। हाउ इज़ लाइफ क्लासिफाइड, पहले कैसी क्लासिफिकेशन की जाती थी। सो बिफोर 1970s लाइफ वॉज क्लासिफाइड इंटू जस्ट टू किंगडम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, ये 1970s की पहले की बात है। ओके, बट फ्रॉम 1970s टू 1990s लाइफ वॉज क्लासिफाइड इंटू फाइव किंगडम्स। दिस क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय विटकर। एंड फाइव किंगडम्स कौन से होते थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटा, एनिमेलिया एंड फंगी। ओके, दिस क्लासिफिकेशन इज टोटली बेस्ड ऑन एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोलॉजी। ओके, बट दिस क्लासिफिकेशन, द ट्रेडिशनल फाइव किंगडम्स जो प्रेजेंट हैं, इट सेज नथिंग अबाउट हाउ ऑर्गेनिजम्स विद इन किंगडम मे बी रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, वाई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब उसका फाइलोजेनेटिक ट्री कैसा था, उनमें क्या डिफरेंसेस थे, ये बिल्कुल नहीं बताती थी। ओके, ऑर्गेनिजम्स जो कि किंगडम में मौजूद है वो कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कौन पहले इवॉल्व हुई, ये सब कुछ इस क्लासिफिकेशन से जाहिर नहीं होता था। इट जस्ट से कि ये किंगडम है एंड इसमें ये कंटेंट्स है, ये ऑर्गेनिजम्स है, दैट्स इट। बट एक्चुअली इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, कौन किससे कनेक्टेड है, कौन कैसे इवॉल्व हुआ, हमें ऐसी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत थी। देन फिर आया एक न्यू प्रपोजल विच इज़ गिवन बाय कार्ल वोइस इन 1990s। ओके, विच इज़ द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, थ्री डोमेन सिस्टम। ओके, कार्ल वोइस इज़ एक्चुअली अ प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोज। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1970s, ओके, 1970s से जब उन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की, तो तब एक प्रीवियसली अननोन ग्रुप था प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का, जो कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी रखता था, लाइक इन द डीप सी, जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा एकदम कम हो, और लाइक ऑक्सीजन की मात्रा हो ही ना, एंड इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, हॉट स्प्रिंग्स में, एसिड लेक्स में, डेड सी, सॉल्ट इवापोरेशन टैंक्स में। ओके, सॉल्ट इवापोरेशन पॉन्ड्स में, इवन वहाँ भी वो लोग सर्वाइव करते थे। वहाँ ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रहते थे, जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसी कंडीशन में रहते होंगे, लाइक वो एकदम एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में रहने के भी कैपेबल थे। सो उन्हें लाइफ एक्सट्रीमिस्ट कहते, क्योंकि वो जो अननोन ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स थे, दे अपेयर्ड लाइक प्रोकैरियोटिक एंड दे वर कंसिडर्ड एज बैक्टीरिया, चूँकि वो प्रोकैरियोटिक थे इसलिए, एंड नेम दिया गया आर्किया बैक्टीरिया। आर्किया बैक्टीरिया मतलब एंशियंट बैक्टीरिया। इनकी बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस से ये पता चला कि इनमें और सिंपल बैक्टीरियाज में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एंड देन लास्टली इट वाज रियलाइज्ड दैट दिस आर्किया बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स, इंक्लूडिंग अस, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ओके, विच आर यूकैरियोट्स, आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू दैम than that of bacteria. Like archaebacteria is having properties of prokaryote, like bacteria ki bhi properties thi unme, as well as eukaryotes.
लाइक यूकेरियोट्स की भी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट थी उनमें. सो दे आर इन मिडिल, ओके, उन्हें मिडिल में रखा गया. एंड टुडे दीज बैक्टीरिया हैव बीन रीनेम्ड आर्किया, ओनली आर्किया बोला गया, ना कि आर्किया बैक्टीरिया. देन फ्रॉम दिस वर्क ऑफ डॉक्टर वोयस ही प्रपोज दैट देयर शुड बी अ न्यू कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ. उन्हें लगा कि न्यू क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसी क्लासिफिकेशन जो अबो द किंगडम हो. ओके, आफ्टर फॉर दिस वर्क ही वॉन द नेशनल मेडल ऑफ साइंस इन 2000. ओके, सो दिस इज द जस्ट द ओवरव्यू ऑफ थ्री डोमेन सिस्टम. ओके, लेट्स सी द थ्री डोमेन सिस्टम. फाइलोजेनेटिक ट्री, दिस इज द फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ लाइफ विच शोज द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ. वन इज द बैक्टीरिया, सेकेंड इज द आर्किया, एंड लास्ट इज द यूकेरिया. ओके, सो दिस फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ लाइफ इज अ ब्रांचिंग डायग्राम जो कि ट्री के जैसा दिखता है, एंड इट एक्चुअली शोइंग द रिलेशनशिप अमंग वेरियस बायोलॉजिकल स्पीशीज. ओके, इट इज टोटली बेस्ड अपॉन द सिमिलैरिटीज. ओके, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज इन दर फिजिकल और जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक. ओके, सो फर्स्टली यहाँ नीचे बॉटम में एक ब्लैक लाइन है जो यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर को डिफाइन करती है. दिस इज़ द डोमेन बैक्टीरिया, दिस इज़ आर्किया एंड यूकेरिया. ओके, यूकेरियोटा. सो बैक्टीरियाज आर द प्रोकैरियोट्स. ओके, आर्किया जो कि मिडल में प्रेजेंट है, बट ये इनकी जो ब्रांच है थोड़ी यूकेरियोटा की तरफ सरकी हुई है. यहाँ देख सकते हैं कि आर्किया मिडल में है. ओके, देन यूकेरियोटा जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है. ओके, सो दिस इज़ द फाइलोजेनेटिक ट्री. फर्स्ट इन तीनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं, देन उसके बाद कंटेंट्स देखेंगे. ईच डोमेन में कौन से ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है. लेट सी द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया. ईच डोमेन कंटेन्स अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ फाइलम्स एंड स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया डिफरेंस देखते हैं. फर्स्ट डिफरेंस इज बैक्टीरिया एंड आर्किया बोथ आर प्रोकैरियोट्स, बट यूकेरिया जो होते हैं ना वो यूकेरियोट्स होते हैं. ओके, एज इट्स नेम सजेस्ट. देन सेकेंड डिफरेंस इज बैक्टीरिया एंड आर्किया बोथ आर सिंगल सेल्ड, बट यूकेरिया आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज सिंगल ऑर्गेनिज्म. देन बैक्टीरिया एंड आर्किया हैज़ नो सेल ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स आर जस्ट कंपार्टमेंट. ओके, बट इन यूकेरियोट्स देयर इज़ द सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट. ओके, उनके जो भी ऑर्गेनल्स है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस वो एक कंपार्टमेंट में बाउंड रहते हैं, बट बैक्टीरिया और आर्किया के केस में ऐसा नहीं है. ओके, बैक्टीरिया एंड आर्किया डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस, बट इन यूकेरिया दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, क्योंकि उनके पास सेल ऑर्गेनल रहता है इसलिए न्यूक्लियस रहता है. एंड बैक्टीरिया एंड आर्किया में न्यूक्लियोइड रीजन रहता है जहाँ सिर्फ उनका जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड रीजन पे फ्लोट होते रहता है. ओके, देन नेक्स्ट इज द बैक्टीरिया इज एंटीबायोटिक सेंसिटिव, वेयर एज द आर्किया इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंड यूकेरिया ऑल्सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट. ओके, बैक्टीरिया हैव पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल, बट आर्किया एंड यूकेरिया डोंट हैव एनी पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल, एंड दे जस्ट हैव लाइक प्लांट्स में होते हैं ना लाइक चीटिन पैक्टिन. ओके, बट बैक्टीरिया डोंट हैव चीटिन पैक्टिन लाइक दे जस्ट हैव अ पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल. ओके, इन केस ऑफ बैक्टीरिया द ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फर्स्ट अमीनो एसिड इज फॉर्मिल मीथियोनिन, बट इन केस ऑफ आर्किया एंड यूकेरिया फर्स्ट अमीनो एसिड इज मीथियोनिन. राइबोसोमल साइज ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्किया इज 70S, बट राइबोसोमल साइज ऑफ यूकेरिया इज 80S. बैक्टीरिया कैन ग्रो एट 80 डिग्री सेल्सियस, सम ऑफ देम कैन ग्रो. अगर हम बैक्टीरिया को ग्रो करें 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे तो उनमें से सिर्फ कुछ ही है जो ग्रो कर पाएंगे, बट इन केस ऑफ आर्किया, आर्किया को अगर 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर ग्रो किया जाए तो मोस्ट ऑफ देम कैन ग्रो बिकॉज दे आर लाइफ एक्सट्रीमिस्ट, वो एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में भी सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. एंड यूकेरिया को अगर ग्रो किया 80 डिग्री सेल्सियस पे तो उनमें से कोई भी ग्रो नहीं होगा. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द differences between bacteria, archaea and eukarya domain. Now let's see the contents of domain.
ईच डोमेन, डोमेन बैक्टीरिया के कंटेंट देखेंगे, आर्किया एंड यूकेरिया के कंटेंट्स देखेंगे, कौन से फाइलम्स प्रेजेंट रहते हैं. ओके, फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द डोमेन बैक्टीरिया. तो प्रोटियो बैक्टीरिया, सानो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, क्लामीडियाज, स्पायरोचर्ट्स और बहुत सारे और भी फाइलम्स आते हैं डोमेन बैक्टीरिया के अंडर में. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट आर्किया, तो आर्किया में मीथेनोजेंस फाइलम रहता है एक, मीथेन मेकर्स का, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स जो कि एक्सट्रीम कंडीशन भी बर्दाश्त कर सकते हैं. ओके, सो इसके अलावा और भी कुछ फाइलम रहते हैं, दीज आर द मेन फाइलम्स. देन डोमेन यूकेरिया में जो फाइलम्स आते हैं लाइक दे आर किंगडम प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटा, एनिमेलिया. ओके, ये चार किंगडम्स आते हैं यूकेरिया डोमेन में. एनिमेलिया इज फर्दर डिवाइडेड इंटू पोरीफेरा, सिलेंटेराटा, प्लैटी हेलमेंट्स, निमेटोडा, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मॉल्यूस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा. जो कॉर्डाटा है उसमें ह्यूमन्स आते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट डोमेन विच इज़ बैक्टीरिया. आई थिंक वी ऑल आर फैमिलियर विद बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल आर एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ डिजीज लाइक कभी फ्लू, कॉमन कोल्ड, ऐसे कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आए दिन होते ही रहते हैं. एंड वी इन आवर बॉडी ऑल्सो आर फैमिलियर विद दैम बिकॉज सारे ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं जो कोई डिजीज़ कॉज नहीं करते, लाइक वो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज रहते हैं. जबकि बहुत सारे बैक्टीरियाज बेनिफिशियल भी रहते हैं जो एंटीबायोटिक एंड फूड प्रोडक्शन करते हैं, फूड लाइक सोया सॉस, विनेगर एक्सेट्रा. देन ये सब चीज़ों में इम्पॉर्टेंट साबित होते हैं. ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट सॉइल, बहुत सारे ऐसे फ्री लिविंग बैक्टीरियाज हैं जो हमारे बायोस्फेयर के लिए फ़ायदेमंद हैं एंड बहुत ज़रूरी रोल प्ले करते हैं, लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन. ओके, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकिल फॉर अवर बायोस्फेयर. बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे नॉर्मल फ्लोरा रहते हैं, लाइक दे आर ऑलवेज अटैच्ड विद अवर बॉडी. एंड बहुत सारे बैक्टीरियाज डिकम्पोजर्स भी रहते हैं जो डिकम्पोज करते हैं कोई भी मटेरियल को. और कुछ फोटोसिंथेसाइजर्स भी रहते हैं, लाइक जो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट के जैसे. बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज डिजीज़ कॉज करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग एक्सोटॉक्सिन्स दैट हार्म ह्यूमन सेल्स. ओके, अदर डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन्स. ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है लाइक वो कैप्सूल में प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरियाज के. सेल वॉल के बाहर एक लेयर रहती है कैप्सूल जिसे बोलते हैं, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं. वो मतलब डिजीज़ कॉज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं उनके लिए. ओके, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इलनेस फॉर अस. नाउ इन डोमेन बैक्टीरिया कम्स अ लॉट ऑफ फाइलम ऑफ बैक्टीरिया, लेट्स सी वन बाय वन. ओके, फर्स्ट फाइलम इज़ द प्रोटियो बैक्टीरिया. प्रोटियो बैक्टीरिया में आते हैं हमारे ईकोलाय, साल्मोनेला, टाइफी, शिगेला टाइप आते हैं वो, लीगियोनेला, हेलियोबैक्टर, पाइलोरी जो कि अल्सर कॉज करते हैं, नीसेरिया, गोनोरिया जो कि गोनोरिया डिजीज़ कॉज करते हैं. ओके, नाउ प्रोटियो बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, देन सेकंड फाइलम इज द साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया इज द फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन बैक्टीरियाज. ओके, बैक्टीरियाज का एक ग्रुप रहता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है. दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस एंड दे एक्चुअली इवॉल्व 2 billion years ago, बहुत पहले. ओके, क्लोजली दे आर क्लोजली रिलेटेड टू यूकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट. जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है ना यूकैरियोट में, वो उनसे क्लोजली रिलेटेड रहते हैं साइनोबैक्टीरिया. द नेक्स्ट फाइलम इज द यू बैक्टीरिया. दे कंटेन क्लॉस्ट्रीडियम, बैसिलस, माइकोप्लाज्मास. ओके, क्लॉस्ट्रीडियम जो कि फूड पॉइजनिंग करता है ह्यूमन्स के लिए. देन आते हैं क्लामीडियाज, दे आर एक्चुअली पैरासाइट. इस फाइलम में ज़्यादातर पैरासाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, एग्जाम्पल फॉर जियार्डिया, क्लामीडिया एसटीडी. ओके, द नेक्स्ट फाइलम इज द स्पायरोचर्ट. दे आर द स्पायरल बैक्टीरिया, दे कॉज मोस्टली सिफिलीज एंड लाइम डिजीज. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डोमेन बैक्टीरिया. Now let's see the domain archaea. Okay, this is the second domain. They are the life extremists. They are inhabitant of most extreme environment on the planet. As we have already seen about them, ke kuch deep sea mein 100 degree Celsius pe bhi survive karte hai, kuch extremely alkaline aur acid waters mein bhi survive karte hai. That's why unhe life extremist bhi kehte hai. Okay, ye humne already dekh liya hai. Let's see the phylum included in the domain archaea. So, first of all, is the methanogens. They are methane makers, okay?
मीथेन मेकर इज़ द उन लोगों का निकनेम मीथेन मेक मीथेनजेंस का. दे यूज़ ओनली कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस एनर्जी टू लिव एंड एज अ रिजल्ट वो मीथेन गैस एक्सट्रीट करते हैं. ओके सो इससे हमें मीथेन गैस मिलती है. दे आर मीथेन मेकर्स. दे लिव इन स्वैम्स लाइक दलदल में रहते हैं, मार्शेज में, इन द गट ऑफ कैटल, टर्माइट्स के अंदर रहते हैं. ओके दे आर एक्चुअली डिकम्पोजर्स. ओके हम बोल सकते हैं दे आर डिकम्पोजर्स एंड कैन बी यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट. एंड इन फ्यूचर मीथेन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मीथेनोजेंस को हमें एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जा सकता है. लाइक मीथेन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मीथेनोजेंस उसको हम फ्यूचर में एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं. ओके देन सेकेंड फाइलम इज द हेलोफाइल्स, एक्सट्रीम हेलोफाइल्स. निक नेम इज़ द सॉल्ट लवर. दे रियली लव सॉल्ट. ओके बिकॉज उनको ओशन वाटर जितना सॉल्टी रहता है ना उससे 10 गुना ज़्यादा सॉल्टी वाटर पसंद है. मेनली ये डेड सी, द ग्रेट सॉल्ट लेक, सॉल्ट इवापोरेशन पॉन्ड्स में पाए जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सॉल्ट की मिकदार हो. ओके दैन थर्ड फाइलम इज द थर्मोफाइल्स, एक्सट्रीम थर्मोफाइल. दे आर हीट एज वेल एज कोल्ड लवर्स. ओके दे प्रेफर टेम्परेचर अबो 60 degrees Celsius और वी कैन से बिलो 1 degree Celsius अप टू फ्रीजिंग. ओके थर्मोफाइल्स विल डाई एट रूम टेम्परेचर. अगर उन्हें रूम टेम्परेचर पर रखा गया तो वो मर जाएंगे. दे लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रहते हैं जिन्हें ब्लैक स्मोकर्स भी कहा जाता है. ओके ऑल्सो लिव इन अंटार्कटिका के ओशन वाटर में भी एंड अंडर पोलार आइस कैप्स में भी रहते हैं ये लोग. ओके थर्मोफाइल्स, एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स. एग्जाम्पल इज़ द थर्मस एक्वाटिकस एंड पायरोकोकस फ्यूरियोसिस. ओके सो दिस इज़ द एग्जाम्पल. और भी बहुत सारे इसमें इंक्लूडेड है आर्कियाज. ओके दैन आर्किया की सबसे मज़े की बात तो ये होती है कि ह्यूमन के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते हैं जैसे बैक्टीरियाज होते हैं. ओके सो दिस इज़ द प्लस पॉइंट फॉर अस. देन अवर लास्ट डोमेन विच इज़ द यूकेरिया डोमेन. यूकेरिया कंटेन्स 4 kingdoms, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटा एंड एनिमेलिया. ओके सो फर्स्ट इज़ द प्रोटिस्टा. दे आर सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स लाइक यूगिलिना, अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा. दे फाउंड इन वाटर, लैंड और लिविंग इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म. लाइक कुछ स्पीशीज जो है प्रोटिस्टा की वो पैरासाइट्स भी होती है. कुछ प्रोटिस्ट फोटोसिंथेटिक भी होते हैं लाइक फाइटोप्लैंक्टन विच प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देन प्लांट्स. ओके अगर लैंड के सारे प्लांट भी मिला दो तो फाइटोप्लैंक्टन के जितना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते जितना फाइटोप्लैंक्टन्स करते हैं. ओके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं प्रोटिस्टा की. प्रोटिस्टा फाइलम में इंक्लूडेड स्पीशीज़ की ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी. दे कॉज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. This parasite transmit from one person to another by a vector which is a T-cells fly. Okay. Then second example is the Entamoeba histolytica, protozoa parasite which kills the cell and drinks blood. Okay. Entamoeba histolytica suck karta hai blood ko cells se attach hoke. Okay. Then Plasmodium vivax is also example of protista. Plasmodium vivax cause malaria. This is transmitted from one to another by bite of female Anopheles mosquito. Okay, this is all about Protista kingdom. Let's see the another kingdom which is the fungi. They include mushroom, bread molds, water molds, yeast, etc. Okay, fungi. They are some of the most important organisms on earth because सारी ऐसी fungi है, बहुत सारी ऐसी fungi है जो drug provide करती है like penicillin and other antibiotics provide करती है हमें. Okay. कुछ फंगी हम एज अ फूड अपटेक करते हैं लाइक मशरूम की बात ले लो. देन द बबल्स जो ब्रेड में आते हैं यीस्ट के कारण, यीस्ट इज आल्सो अ फंगी. ओके एंड कुछ फंगी शैम्पेन एंड बियर प्रोडक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. दे आल्सो कॉज डिजीजेस. इफ हम बात करें ह्यूमन डिजीजेस की तो रिंगवर्म इन्फेक्शन एथलीट्स फूड कॉज करती है ह्यूमंस में. एंड प्लांट डिजीज caused by fungi include damage to crops, rust, etc. The next kingdom is the planta. This kingdom includes all the land plant. Okay, this kingdom is having a huge diversity with more than 250,000 species.
ओके, प्लांट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि उनमें जो ग्रीन कलर प्रेजेंट है ना, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ देम, ओके, विच इज़ द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. ग्रीन कलर क्यों आता है? क्लोरोफिल की वजह से, विच इज़ यूज इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिससे वो अपना फूड खुद बनाते हैं लाइट एनर्जी से. ओके, लाइट एनर्जी की एब्जॉर्ब करके फूड बनाते हैं. ओके, देन लास्ट इज़ द एनिमेलिया किंगडम. किंगडम एनिमेलिया, एज इट्स नेम सजेस्ट, इट कंटेन्स ऑल द एनिमल्स प्रेजेंट ऑन दिस प्लानट. ओके, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे एनिमेलिया किंगडम में आते हैं. ओके, देयर इज़ मच मोर टू से अबाउट दिस किंगडम. लेट्स सी जस्ट ओवरव्यू ऑफ किंगडम एनिमेलिया. एनिमल वॉज फर्स्ट अपियर्ड ऑन द अर्थ लगभग 650 million ईयर्स अगो, विच इंक्लूड स्पॉन्जेस, जेलीफिश, कोरल्स, फिशेज एक्सेट्रा. ओके, दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स. दे हैव अ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दिस किंगडम हैज़ डिवाइडेड इंटू 10 डिफरेंट सब फाइलम बेस्ड ऑन देयर बॉडी डिज़ाइन. ओके, अलग अलग सब फाइलम्स में इनको डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर, लाइक उनका मॉर्फोलॉजी कैसी है उस बेसिस पे डिवाइड किया गया है. ओके, फर्स्ट इज़ द पोरीफेरा. सब फाइलम देखते हैं पोरीफेरा. पोरीफेरा इज़ अ ऑर्गेनिज्म विथ होल्स. ओके, जिनमें होल्स रहते हैं वो ऑर्गेनिजम्स पोरीफेरा सब फाइलम में आते हैं, लाइक स्पॉन्जेस. ओके, देन सिलेंटराटा, दे आर हॉलो बिल्ड, लाइक अंदर से पूरे हॉलो रहते हैं वो. हाइड्रा, जेलीफिश इसकी एग्जांपल हो सकती है. देन प्लैटीहेलमिंट्स मीन्स फ्लैट वर्म्स जो रहती है, लाइक टेप वर्म, प्लानेरिया. ओके, देन अनदर सब फाइलम इज़ द नेमाटोडा. दे आर राउंड वर्म्स लाइक एस्कैरिस, व्यूशेरिया. ओके, देन एनेलिडा सब फाइलम आर द रिंग्ड वर्म्स. दे आर रिंग्ड वर्म्स. ओके, लाइक अर्थ वर्म, लीच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एनेलिडा सब फाइलम. देन आर्थ्रोपोडा, दे हैव अ जॉइंटेड लैग, लाइक स्पाइडर्स, बटरफ्लाई. ओके, जो इंसेक्ट रहते हैं वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं. देन मॉल्यूस्का, दे आर हार्ड कवर्ड ऑर्गेनिजम्स. ओके, लाइक स्नेल्स, ऑक्टोपस को ले लो, दे आर मॉल्यूस्कस. ओके, देन इकाइनोडर्माटा, उनकी जो स्किन रहती है ना वो एकदम स्पाइनी रहती है, लाइक स्टारफिश और सी अर्चिन भी एग्जाम्पल हो सकता है इकाइनोडर्माटा का. देन नेक्स्ट इज़ द हेमिकॉर्डाटा, दे आर एकॉर्न वॉर्म, लिव इन ओशन. ओके, देन लास्टली कॉर्डाटा सब फाइलम कंटेन्स अ नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड वाले जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना वो कॉर्डाटा सब फाइलम में रहते हैं, लाइक ह्यूमन्स. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द डोमेन यूकैरिया. एंड यहीं पे हमारे तीनों डोमेन्स जैसे बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया डोमेन फिनिश होते हैं. एंड दैट्स ऑल अबाउट द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, दैट इज़ द थ्री डोमेन सिस्टम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ फ्रेंड्स. लेट मी ऑल्सो नो अबाउट दिस वीडियो इन माई कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.